यात्रा निकालने लगे तो समर्थक देख करके राग नेता बने हुए हमारी वोट भूल जाएगी बात करते हाँ तो बहुत अच्छी बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया और मैं जाके अपने लोगों के बीच में बैठ कर खाना खाऊंगा, उनका दुख दर्द जानूंगा, उनका प्यार बांटूंगा और उनमें विश्वास पैदा होगा तो निश्चित तौर पर और हम मजबूत होगा, हमारी पार्टी मजबूत होगी, उभार होगा, उनको दिन में उतारे मिल पाएगा। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। जब से जीतन राम मांझी की पार्टी यानी उनके पुत्र ने इस्तीफा दिया है तब से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और आपको बताते चले कि आज जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने भी कह दिया कि जब से हम लोग यात्रा न्याय यात्रा तमाम जो यात्रा अलग अलग जिलों की यात्रा कर रहे थे लोगों से मिल रहे थे तो इन लोगों को दिक्कत हो रही थी, जो लोग छोटी छोटी दुकानों की बात कर रहे थे इन लोगों को दिक्कत हो रही थी कि कहीं ना कहीं ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। और आपको बताते चले कि उन्होंने कह साफ कर दिया कि नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं तो उन्होंने हमको मंत्री बनाया, लेकिन साथ ही साथ ये कह दिया कि अब हमको और मौका मिल गया है, अब हम रोडों पर जाएंगे, सड़कों पर जाकर के लोगों से मिलेंगे, अब स्वतंत्र हो गए हैं, अपने लोगों से जाकर के हालचाल करेंगे, समाज सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होंगे। पहले सुनिए क्या कुछ करे संतोष सुमन। लोकतंत्र के लिए घातक है और ऐसे बोलने वाले लोग निश्चित तौर पर हम समझते हैं लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी नहीं है और इनके हाथों में अगर सत्ता है, इनके हाथों में जनता अगर सत्ता सौंपती है तो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी एक विश्वासघात का काम करेंगे, इसलिए हम गरीब लोगों से यही कहते हैं कि अभी भी सतर्क हो जाइए। महागठबंधन में दलित की नुमाइंदगी करने वाली कोई भी पार्टी एग्जैक्टली नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं? आप थे तो आप ही नहीं है, न बसपा से उनका कोई बात हो रहा है, कैसे चले? देखिए, हम लोग तो इस विचारधारा को नहीं मानते हैं कि जाति व्यवस्था से पार्टियाँ चलती है चाहे कुछ होती है। मान लीजिए उन लोग को है कि किसी अमुक जात को समर्थन करके आए हैं और किसी जात के एडवोकेसी करते हैं, हम तो गरीबों का नारा दिए, हमारी पार्टी ने कहा कि सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीब हो एक हो, और हम लोग सबके लिए बात किए जो गरीब है। इवन स्वर्ण भाई भी है, उनके आरक्षण की बात सबसे पहले हमारे नेता जीतन राम मांझी कह रहे हैं। तो हम इस बात को नहीं मानते हैं कि दलित कोई नहीं है, दलित कोई बात नहीं होता, किसी भी पार्टी में जाकर लड़ सकते हैं, कोई जरूरी है कि पार्टी हमारा है तो हम सिर्फ एक ही कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या दलित को रिप्रेजेंट, हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोगों को यही होना चाहिए तभी इस राज्य का विकास होगा, इस मानसिकता से हमको उभरना चाहिए। अब उनको सोचना है कि हाँ जीतन राम मांझी एक बड़े नेता थे और नेता इसलिए जाने जाते थे कि उनको अपार समर्थन था गरीबों का और उनको लगा कि समर्थन हमारे इनको समर्थन से हम लोग जब आगे बढ़ने लगे तो मीडिया में आने लगे और लोगों के बीच में आने लगे, हम लोग यात्रा निकालने लगे तो समर्थन देख करके बौखलाहट हो गया और लगा कि हम लोग जो झूठे तौर पर नेता बने हुए हैं, जो बर्रा के नेता बने हुए हैं, हमारी पोल खुल जाएगी और हमसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए इसको शट डाउन कर दो, इनको दुकान को शटर बंद कर दो, जो उन दुकान कहते हैं, दुकान तो बहुत ओछी बात है लोकतंत्र में, पार्टी को जो संवैधानिक तरीके से आया हुआ उसको दुकान कहना सबसे ओछी बात है, उस पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे। तो इनको अपने में मिला लो, विलय कर लो, इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, हम जैसे हैं लिबादा उड़े हुए हैं अच्छा बनने का, वो हमारा कायम रखेगा, हमको कोई एक्सपोज करने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए इस तरह का सामान्य व्यवस्था और सोच विचारधारा है जो हम लोग इस तरह की बात करते हैं। जी, संरक्षित मतलब जनप्रतिनिधि हैं, पीएचडी हैं और तो क्या संतोष सुमन का नाम नहीं आना चाहिए आगे सीएम कैंडिडेट के लिए, जैसा मांझी जी ने पहले भी कहा है? देखिए, इसकी प्रतियोगिता तो कहीं नहीं शुरू हो गई है अंदर खाने में? देखिए, मांझी जी ने जो बोला एक पिता का उद्गार था, हर पिता अपने बच्चों के लिए भला चाहता है, बच्चों के लिए चाहता है कि अच्छा करे और एक हर पिता का सपना होता है, आप भी अगर पिता होंगे बनेंगे तो आप भी अपने बच्चों के भविष्य की बात करेंगे, वो उनका अलग बात है, लेकिन मेरा जो मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि लोकतंत्र सबके लिए खुला हुआ, आपके लिए भी खुला हुआ है, एक गरीब मजदूर है उसके लिए भी है, कोई बहुत बड़ा आदमी है उसके लिए, सबको एक वोट देने का अधिकार है और जनता तय करती है कौन मुख्यमंत्री बने, कोई पीएचडी चाहे मैट्रिक फेल ये सब का कोई योग्यता का कोई आधार नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई रिटर्न परीक्षा नहीं होता, जनता के बीच में जाना होता है, जनता को संतुष्ट करना होता है, जनता को अपने विचारों से और अपने उसूलों से अपने विजन से और आप किस मुद्दों को ले जाकर के जनता के बीच में जाते हैं, जनता आपको अगर मानती है तो आपको वोट देती है, उनका आशीर्वाद मिलता है तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर हम अपने मुद्दों को लेकर के गरीबों के हित के लिए और गरीब के पास जाएंगे, गरीब हमसे अगर कन्विंस हो जाएंगे, हमारी बातों को मान लेंगे, हमारे तरफ आ जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसका उदाहरण है। आज लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने कहाँ से आए हैं,
बहुत बड़े घर के तो नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति थे। नीतीश कुमार क्या था? एक साधारण व्यक्ति थे। जीतन राम मांझी क्या? एक बंधुआ मजदूर के बेटा थे। उसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने तो कौन से बड़े थे? यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसको लोग मिटाना चाहता है। इसको लोग मिटाना चाहता है तो बाबा साहब का संविधान इतना कमजोर नहीं है, उनको निश्चित जवाब देगा। शोषित और वंचित की आवाज अब तक आप उठा रहे थे, आपके पास मंत्रालय भी था, अब आप सरकार से बाहर हैं। शोषित और वंचित समाज के लिए संतोष सुमन अब कैसे आवाज बुलंद करें? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी को। एक अहम जिम्मेवारी थी और उस जिम्मेवारी के बहुत पहले हमको समय नहीं मिलता था। अब तो मैं फ्री हूँ और मैं हमेशा कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। मैं कभी अपने आप को मंत्री, नेता और इस तरह से नहीं प्रेजेंट किया हूँ, न देखता हूँ। मैं कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया और मैं जाके अपने लोगों के बीच में बैठ के खाना खाऊंगा, उनका दुख दर्द जानूंगा, उनका प्यार बांटूंगा और उनमें विश्वास पैदा होगा तो निश्चित तौर पर और हम मजबूत होंगे, हमारी पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा और एक अच्छे विकल्प रूप में बिहार में हम लोग फिर से उभरेंगे और अभी भी हैं और मजबूती से उभरेंगे और ये जो उभार होगा उनको दिन में तारे नजर आएगा। तो आपने सुना किस तरीके से संतोष सुमन ने साफ कर दिया है कि जो लोग छोटी छोटी दुकानों को बंद कराने की बात करते थे, कहीं ना कहीं उन लोगों को डर लग रहा था कि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जिस तरीके से हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे, बिहार वासियों से मुलाकात कर रहे थे, सब लोगों का समर्थन मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसे मानसिकता के लोगों को जलन हो रही थी, दिक्कत हो रही थी कि ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही उन्होंने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मंत्री बनाया, लेकिन हम तो चाहते थे कि महागठबंधन में रहे, लेकिन कुछ लोग चाहते नहीं थे रहना, लेकिन फिर भी ठीक है, हम लोग जहाँ भी रहेंगे अपने लोगों की बात करेंगे।